ईसापू सन 1315 एक गौरवशाली इतिहास का साक्षी विक्रांत का साम्राज्य। विक्रांत का साम्राज्य के महाराज हैं भारत के सबसे शक्तिशाली राजा महाराजा विजय नारायण मरुत्पति। जितना महान इनका साम्राज्य था उतना ही विशाल उनका हृदय भी था। एक ओर जहां प्रसार नीति से अपनी सीमाओं को विस्तृत किया, वहीं दूसरी ओर अपने नागरिकों की खुशहाली का पूरा ख्याल रखा। इस साम्राज्य की सीमाएं उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम दूर दूर तक फैली थी और इसका श्रेय जाता है महाराज के चहेते राज्य के मुख्य सेनापति राजनायक को। बाज की नजर, चीते की फुर्ती, रणनीति के माहिर, वीरों में वीर पराक्रमी राजनायक अकेले ही 10,000 की सेना को पराजित करने की क्षमता रखते थे। राजनायक की दो कमजोरियां थी, पहली औरत और दूसरी राजा बनने का सपना, जिसके लिए वो कुछ भी करने उसे ऐसा शाप दिया जिसकी वजह से राजनायक की आत्मा हमेशा के लिए कैद होकर आज तक घोर उत्पीड़न का अनुभव कर रही है। शाप से मुक्ति का रास्ता कुछ प्राचीन ताड़पत्रियों में अंकित था। राजनायक ने एक बाज की मदद से उसे चुराने की योजना बनाई और उसमें सफल भी हुआ। इसकी मृत्यु हो चुकी है। दैव कुमारी में कई अलौकिक शक्तियां मौजूद हैं। मृत शरीर में फिर से प्राण फूंक सकती है वो। नवकाली का पूर्णिमा का राज बताने वाली ताड़पत्रियां गायब हैं। हाथ हटा लो, ये क्रूर आंधियां इस पवित्र अग्नि को कभी छू नहीं सकती। वातावरण में ऐसा बदलाव आने वाले बुरे काल का संकेत दे रहा है। आज से आने वाली तीसरी पूर्णिमा नवकाली का पूर्णिमा है। 700 वर्ष बीत चुके हैं लेकिन भव्यता का प्रतीक रह चुका विक्रांत का साम्राज्य आज भी वीरान है। सात सौ वर्ष बाद भी अपने लोगों के बहाए रक्त को मैं आज भी महसूस कर सकती हूँ। अपने साम्राज्य का नाश करने वाले का अस्तित्व मिटा दूंगी मैं। 700 वर्ष, 8,400 पूर्णिमाएं, इस बंधन से मुक्त होने के लिए तड़प रहा हूँ। अब मुझे सिर्फ आने वाली नवकालिका पूर्णिमा की प्रतीक्षा है। इस श्राप से मुझे मुक्ति दिलवाएगा काशमोरा। कहीं उस दुष्ट राजनायक की आत्मा को श्राप से मुक्ति न मिल जाए, ये सोच के मेरा मन कांप उठता है। 11 बार जन्म लेकर तपस्या की है, उस दुष्ट का वध करने वाला बाण बन चुकी हूँ मैं। बाण को चलाने के लिए कुशल धनुर्धर चाहिए देवी। काशमोरा है तू काशमोरा।
ये है श्री घनश्याम दास का घर। कुछ दिनों से यहाँ अजीब और गरीब घटनाएं घट रही थी। किसी रूहानी ताकत ने इस परिवार का सुख चैन छीन लिया था। इन्होंने कई तांत्रिकों और पीर बाबाओं की मदद ली, पर इस मुश्किल से निजात नहीं मिल पाई। आखिरकार किसी की राय पर घनश्याम जी ने इस देश के ब्लैक मैजिक और तंत्र विद्या के सबसे बड़े जानकार काशमोरा को बुलाया। इस दुनिया में अगर कोई इनकी मदद कर सकता था, एक शक्तिशाली शैतानी रूह को काबू में कर सकता था, तो वो था काशमोरा। केले के पवित्र पत्ते को ले आओ। आपकी पत्नी के किसी रिश्तेदार ने आप पर वुडू मैजिक किया है। उस पुतले के जरिए आपके पीछे एक पापी आत्मा लगा दी है। मैंने पुतला जला दिया है, अब आपको वो हानि नहीं पहुंचा सकता। उसे समुद्र में डुबोना है, थोड़ी जान बाकी है, उसे मैं संभाल लूंगा। स्वामी जी, अब तो कोई संकट नहीं है ना? खुद जादू करके बुलाओगे तब भी तुम्हारे करीब नहीं आएगी। चलो जासूस बन के अपनी मंगेतर का पीछा कर रहा हूं। तू मेरी बॉन्डगिरी में दखल मत दे। चल बाय। बाप रे, ये रास्ता तो शमशान घाट की तरफ जाता है। मुझे तो लगता है कि इसने अपने बॉयफ्रेंड को वहां पर बुलाया है। ये तो बैंक में जॉब करती है ना?
लगता है कोई लोन लेने वाला मर गया है। परफेक्ट। हाय सर। है क्या है? आपकी हाफ ब्रांडी, क्वार्टर्स की दो बॉटल्स लाई हूँ। पैक बनाओ। लगता है ब्लैक में दारू बेचना इसका फुल टाइम जॉब है। पानी है? हाँ है ना, मिनरल वाटर। ए, ये क्या है रे? पानी से क्या नहाने का है? वो बोतल चाहिए जो कच से खुलती है और फिर फिस ऐसी आवाज आती है, सोडा बोलते हैं उसको। मैं... ए, जल्दी से सोडे का पैसा दे। चेंज? ए, जा गंगूतली के यहाँ से उधार सोडा लेके आ। काम बोल। मैंने बताया था ना सर, मुझे भूत देखना है। पहले कभी भूत नहीं देखा क्या? नहीं सर, पुराने शमशान में भी नहीं मिला। वहाँ भूत की कमी है। बसंत नगर के इलेक्ट्रिक शमशान में भी गई थी। पर तांत्रिक है। तांत्रिक ने भी बहुत दावे किए थे पर भूत के नाम पर ठेंगा दिखाया। मतलब तुझे भूत का दीदार करना ही है, है? सर ये बताइए, आत्मा और भूत में क्या डिफरेंस है? ज्यादा नहीं, स्पेलिंग का फर्क है सर। खुद से मरा तो आत्मा और किसी ने मार दिया तो भूत। समझो, अगर अंडा खुद से फूटा तो आत्मा, किसी ने फोड़ दिया तो भूत। चुड़ैल देखोगी तो डरोगी तो नहीं? अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। वो देखो, वो चुड़ैल आ गई। वो देखो तुम्हारे पीछे उड़ रही है। मुझे नहीं दिख रही है, मुझे दिख रही है। जाओ वरना क्या हो जाएगा, मुझे नहीं दिख रही। रॉड कहीं के मुझे फिर से उल्लू बना दिया। हे, तुम पर मैं केस करूंगा। हेलो हेलो भाई साहब, भाई साहब मेरी बात तो सुनिए। वो भला शमशान क्यों जाने लगी है? ऐसी लड़की को हम बहू नहीं बना सकते। देखिए, हो ना हो आपको कोई गलत फहमी हो गई है, आप मेरी बात तो सुनिए। अब तो खुश हो ना? तुम्हें पता है लड़के के बाप ने तुम्हें तांत्रिक कहा और अब वो सगाई तोड़ना चाहते हैं। मुझ पे एक भूतनी के बाप होने का लेबल लगा दिया। जब तक अपनी थीसिस पूरी नहीं कर लेती मैं शादी नहीं करने वाली। बिना परमिशन रिश्ता करेंगे तो यही होगा ना? हाँ? पहले भूत देखूंगी उसके बाद दूल्हे को। भूत का पता नहीं लेकिन लड़का पैरालिसिस अटैक के बाद भूत जैसा दिखेगा। और अगर भूत देखने का इतना ही शौक है तो मेरे मरने के बाद मेरा भूत देख लेना। पापा, भूत बनना हलवा है क्या? आपका मर्डर करना पड़ेगा। ट्रक से आपकी स्कूटी को मार के आपकी बॉडी को बम्पर में फंसा के आपको घसीटते हुए दूर तक ले जाना पड़ेगा। हाँ हाँ बेटी, अब यही सुनना बाकी था। दामाद ढूंढने से अच्छा है कि मैं ट्रक के नीचे आके मर जाऊं। थैंक्स पापा। हाँ थैंक। हे भगवान। बेटा मेरा वो मतलब नहीं था। तुम पहले शादी तो कर लो, उसके बाद तुम चाहो तो तुम और तुम्हारा पति दोनों मिलके साथ में भूत ढूंढना। हाँ, और एक और तरीका भी है, एक भूत बच्चे को जन्म देकर उस पर रिसर्च करना। इस बहाने तुम्हारी थीसिस पूरी हो जाएगी। तुम्हें 6 महीने का वक्त दे रहा हूँ, अपनी स्टूपिड रिसर्च पूरी कर लो, नहीं तो तुम्हें मार के भूत बना दूंगा। फिर खुद की शक्ल आईने में देख लेना। इस स्लो स्पीड से ना तेरी थीसिस पूरी होगी और ना ही शादी हो पाएगी। मेरी बात मान, काशमोरा नाम के तांत्रिक से मिल, वो आत्माओं के स्पेशलिस्ट हैं। भूत भगाने से लेकर चुड़ैलों और पिशाचों को अपने वश में करने का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। फुल बुकिंग रहती है, हर रात 11 बजे उनका एक लाइव टीवी शो भी आता है। अरे हाँ याद आया, उसमें भूतनी है ना? वो 10 बजे वाला सीरियल है जो घर बर्बाद करता है, उनका शो उसके बाद आता है। कुछ दिन पहले उनके एक एपिसोड को यूट्यूब पर मैक्सिमम हिट्स मिले थे। आपका स्वागत है सर। ये काशमोरा कैसा नाम है, इसका मतलब समझाएंगे? काशमोरा आत्मा का एक लोकल नाम है, जो बहुत पावरफुल है। वो किसी भी आत्मा को अपने वश में कर सकते हैं। जन्म से ये गॉड गिफ्ट मुझे हासिल था, इसलिए पिता ने काशमोरा नाम रखा। ओके, तो देखते हैं। भूत प्रेत में जो विश्वास करते हैं वो लोग यहां बैठे हैं, और जो इसे फ्रॉड समझते हैं वो लोग स्टूडियो में इस तरफ बैठे हैं। तो आइए पहले इनसे शुरुआत करते हैं। आप में से यदि आत्मा को किसी ने भी देखा हो या उसके साथ इंटरैक्ट किया हो तो बताइए। सर, कुछ दिनों से हमारे टेरेस पर हर शनिवार सुबह 7:30 बजे एक कौवा आकर बेसुरा रोता है सर। कुछ दिनों तक तो मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर याद आया कि उसी जगह पर मेरे दादा पेपर पढ़ा करते थे, इसलिए हर शनिवार मैंने इस बात को ऑब्जर्व करना शुरू किया सर। एक न्यूज़पेपर और एक पानी का गिलास मैं 7:30 बजे वहां पर रखने लगा। वो कौवा पानी पीकर चला जाता था। तब हमें एहसास हुआ कि हमारे दादा स्वर्ग नहीं गए बल्कि उनकी आत्मा उस काले कौवे में आ गई है। ए, अपना ड्रामा बंद कर। टाइम पे तो पुलिस भी नहीं आती, कौवे को टाइम का कैसे पता? अपना नाम बताएंगे सर? शेखर। कौवा टाइम देखना नहीं जानता था लेकिन दादाजी जानते थे।
सर आमतौर पर देखा है कि आप जैसे धार्मिक और आध्यात्मिक लोग काले या भगवे रंग के कपड़े पहनते हैं, लेकिन आप तो यूनिफॉर्म सिर्फ पुलिस या आर्मी के लिए होती है। ऐसे फ्रॉड या चोर किसी भी ड्रेस में लूट सकते हैं सर। ये काशमोरा आध्यात्मिक संत नहीं है सर, आंखों में धूल झोंकने वाला ठग है। आराम से बैठ जाइए, रिलैक्स। सर साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, भूतों का डर दिखाकर जनता को ठग रहे हैं आप, आपको शर्म नहीं आती? कुतर्क से सत्य नहीं जुटलाया जा सकता। हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह हैं, जिसकी खोज साइंटिस्ट ने कुछ 100 साल पहले की, लेकिन इस खोज से पहले क्या उनका अस्तित्व नहीं था? साइंस के डिफाइन किए इक्वेटर या ऑक्सीजन दिखाए जा सकते हैं? यू आंसर मी, हमें ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। फ्रॉड से संदेह पैदा होता है, पर जेनुइन को परखना एक बड़ी कला है। हेलो, फ्रॉड नहीं हो ये साबित कर सकते हो? चलिए, आत्माओं को बिल्कुल ना मानने वाले 2 लोगों को यहाँ बुलाना चाहूंगा। आ चल, डरते हैं कैसे? मुझे 2 टेबल्स की जरूरत पड़ेगी। प्रोग्राम देखने वाले बच्चे और बुजुर्ग प्लीज अपने टीवी स्विच ऑफ कर लें। इस ड्रामे के लिए तो तुझको ऑस्कर मिलना चाहिए। तुम्हें कोई हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं भाई, मेरा सब कुछ एकदम ठीक है। अच्छा है, बिना डरे यहाँ लेट जाइए। हेलो, सीधा लेटने को बोलो ना, ये डरो मत और मत क्या है, वैसे भी मैं किसी से डरता नहीं। ए चल देखते क्या करता है ये, लेट जा। अब आत्मा में विश्वास करने वाले 4 वॉलंटियर्स प्लीज यहाँ आइए। तुम बैठो, कहाँ जा रहे हो? अरे जाने दो, मुझे भी देखना। नहीं तुम मत जाओ। देखा, वो 4 और हम 2, बहुत नाइंसाफी है। 2 लोग इनके हाथ पकड़ लीजिए और 2 लोग इनके पैर। क्या भाई, मसाज देने वाले हो क्या? हेलो, हमें चादर से क्यों ढक दिया? तुम्हारी भलाई के लिए। ये क्या बकवास है, चादर नहीं चाहिए, तुम लोग चीटिंग करोगे, हटाओ इसको, जल्दी हटाओ, चलो जल्दी। सर मुझे कुछ प्रूफ नहीं करना है सर, भूत होते हैं सर, मैं तो इसकी वजह से यहाँ आ गया था। अरे सॉरी सर, तुझे क्या हो गया? जा रहा हूँ सर। अरे रुक, कहाँ भाग रहा है, रुक जा। सारे कैमरास इसकी बॉडी के सेंटर पर फोकस करो, ठीक से फोकस करो। गेट सेट। ये वाकई में एक साधु बाबा है, तपस्वी है, या भूत भगाने वाला देश का तांत्रिक नंबर 1 है? जी नहीं, ये देश का फ्रॉड नंबर 1 है। यंत्र तंत्र मंत्र से इनका 200 तक कोई लेना देना नहीं। अपने टीम के साथ मिलकर पहले घर में बुरी शक्तियां होने का एहसास करवाते हैं, कहीं साउंड या लाइट्स का इफेक्ट्स देके डराते हैं, कहीं घर में कोई पुतले छुपा देते हैं, और फिर ये महाशय एक्सपर्ट तांत्रिक बन के उस पुतले को ही ढूंढ निकालते हैं, भूत को भगाने का दावा करते हैं। हाथ की सफाई दिखाने वाले सड़क छाप जादूगर और इसमें सिर्फ एक ही अंतर है, और वो अंतर है प्रेजेंटेशन और मार्केटिंग स्किल्स का, जो इस खोटे सिक्के को भी 400 बीसी के बाजार में चलाए रखता है और लोगों में भूत और प्रेत का डर बनाए रखता है। तो यही है वो ढोंगी बाबाओं का बाप, फ्रॉड नंबर 1 काशमोरा। अगर आप कहें तो इन्हें उठा दूं, इन्हें पता नहीं था कि आप यहां आने वाले हैं। एक मासूम बच्चे की तरह सो रहा है। स्वामी जी ने कहा है सोते हुए को जगाने से महापाप होता है। साहब जी आप यहां?
साहब मुझे बुला लिया होता तो मैं आ जाता। हाँ स्वामी जी, आपके बताए मुहूर्त पर पहुंच गया था, पर यहाँ पर कुत्ता जरा नींद में था, शुभ समय निकल गया। इस समय कहाँ है? हाँ कुत्ते के बेडरूम में हूँ। बेडरूम दक्षिण दिशा में है तो उत्तम होगा। अच्छा दक्षिण दिशा में कोई बेडरूम है क्या? स्वामी जी दक्षिण दिशा के कमरे में ले आया। वो राजेश मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है। अच्छा केतु कुंडली के तीसरे घर में बैठा है, आपका राहु छठे घर में विराजमान है। ये समझ लीजिए कि इस समय लोहे का इस्तेमाल करना बहुत अशुभ होगा। लोहा नहीं तो फिर कुछ और करते हैं। चले चले सब लाइन में आइए, लाइन में आइए। मैडम आप भी लाइन में चलिए, कोई लाइन नहीं तोड़ेगा इधर, समझे? मैडम इधर स्कूटी अलाउड नहीं है, उधर पार्क करिए। चलिए चलिए उधर पार्क करिए, 10 रुपए लगेगा। ये क्या दादी, कुत्तों से सावधान के बजाय भूतों से सावधान क्यों लिखा है? जिस घर में जो चीज होगी उसी से तो सावधान रहने को कहा जाएगा ना। कुछ भी बकवास सुना रही हो। ये बकवास नहीं है बेटा, इतिहास है। मेरे पति अगर गुस्से से देख भी लेते तो बड़े बड़े भूत दुम दबा के भाग जाते। उन्हें देखकर शेर का भूत भी चूहे का भूत बन जाता है। एक बार ऐसा हुआ, 2 कुत्ते मर गए। उनकी आत्माओं ने मेरे पति को काट लिया। उन कुत्तों की आत्माओं को ऐसा धोया, ऐसा निचोड़ा कि भौंकना भूल गए। आज तक घर की फ्री में पहरेदारी कर रहे हैं। आगे जा, उनकी पूंछ पर पांव मत रख देना। हाँ किसकी पूंछ पर दादी? उन्हें डिस्टर्ब नहीं करोगी तो वो भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। दादी बिना डरे प्यार से आगे बढ़ो, मैं हूँ ना। डैफी सिट डाउन, आई सेड सिट डाउन डैफी। डैफी डार्लिंग रिलैक्स। देसी आत्मा से बात करने के लिए 5,000 और अंग्रेजी आत्मा के लिए 10,000। नो थैंक्स, मैं बैंक से आई हूँ, काशमोरा सर से मिलना है। ओह तो ये बात है। डैफी इनसे हाथ मिलाओ, कम ऑन कम ऑन। क्या बात है, आप तो डरती हैं। नो नो इट्स ओके। क्या माँ अभी तक आपने खून नहीं पिलाया, देखो तो कितने भूखे हैं। पूजा में बिजी थी इसीलिए लेट हो गया, थोड़ी देर भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते, बिगाड़ के रखा हुआ है। पिला दीजिए, मम्मी इन्हें खून पिला देंगी, आप अंदर चलिए। ये फ्रेश खून देखकर लार टपकाने लगती है। इस जगह की खासियत क्या है? भक्त अंडे और दूध चढ़ाते हैं। अंडों को नागदेव के बिल में डालिए, वो भी बिना फोड़े। हुंडी पर भीड़ मत लगाओ, आगे बढ़ते रहो। जितना दूध दान दोगे खुशबूदार चाय की तरह जीवन में समृद्धि की महक बढ़ेगी। भक्तों जैसे ही अंडा फोड़ोगे जीवन की फूटी किस्मत सवर जाएगी और उसकी जायकेदार भुर्जी बन जाएगी। मेरा कोई धर्म नहीं है, मैं सर्वशक्ति संपन्न हूँ, मैं सर्वव्यापी स्वयं परमेश्वर हूँ। जिनके एडवांस पेमेंट आ गए हो वो जरा धीरज रखें, आत्मा के ऑनलाइन आते ही आपका भविष्य पूछा जाएगा। सिर्फ हुंडी के आगे हाथ जोड़ने से जीवन नहीं सुधरेगा। सुन रहे हैं मैडम, तुम्हारे लिए वो सिर्फ हुंडी है, मेरे लिए वो एक भूखे इंसान का मुंह है। इधर उधर क्या देख रही हो मैडम, इसमें डाली हर एक कौड़ी किसी गरीब की जीवन में खुशियाँ ले आएगी। 2 अनाथ बच्चों की स्कूल की फीस ही डाल दो। अरे 10 अनाथ बच्चों की बोलना चाहिए था। हरी भरी रहो, यू काम एक्सक्यूज मी। जल्दी का काम शैतान का होता है बेटी, दुखियारी डॉलर लेके आई है। मैं बैंक से आई हूँ। बैंक से आई हो, यू कम फर्स्ट यू गो बैक टू योर कंट्री। हो कुछ पैसा वैसा लाई हो? उसके लिए नहीं, काशमोरा सर ने बैंक अकाउंट खोला है। अकाउंट में पैसे डाल दिए? अभी तक तो नहीं, पासबुक एटीएम कार्ड चेकबुक सब कुछ लेकर आई हूँ। तो उसका मैं क्या करूँगा, कैश है तो ऐसे है। सॉरी अंकल, ये सब तो सिर्फ काशमोरा सर को देना है। खाली अकाउंट का थेपला बनाऊंगा क्या? उस डॉलर वाली बुड्ढी डोल को भी भगा दिया, किधर गई वो? ये मेरी थीसिस के लिए है। जीसस कहा? तुम क्रिश्चियन हो? नहीं मदर, मेरी मेरी क्रिसमस हो। जीसस नहीं सर, थीसिस मतलब रिसर्च के लिए। मैं भूतों और आत्माओं पर रिसर्च कर रही हूँ, उनसे फेस टू फेस मिलना चाहती हूँ।
अब तक जितने भी तांत्रिक मिले एक नंबर के पाखंडी निकले। आप जैसे स्वामी बनके भूत भगाने का बिजनेस करते हैं, उन्हें तो चप्पलों से मारना चाहिए। सॉरी सर, मुझे गलत मत समझना, मुझे जितने भी तांत्रिक मिले सब चोर निकले। मैंने अपनी थीसिस को ड्रॉप करने का भी सोचा, लेकिन उसके बाद मैंने काशमोरा सर का शो देखा और मैंने सोचा है कि मैं उन्हें ज्वाइन करूंगी। आज छत पर कौओं के लिए पिज्जा नहीं रखा? ओ, मैं भूल गई। देखा, दादाजी भूखे रह गए ने। मशरूम पिज्जा का ऑर्डर दे दो। केयरलेस। हाँ, तुम कुछ कह रही थी। मैं उन्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मेरे होने का एहसास नहीं होने दूंगी। एक कोने में बैठकर बिना आवाज किए अपने कैमरा से सब कुछ शूट करूंगी। कैमरा से शूट करोगी? सिर्फ इतना ही? टीवी चैनल में उन्हें बेचोगी नहीं? जिस भी पवित्र मंदिर में कैमरा और इलेक्ट्रिक आरतियों ने प्रवेश किया है, भगवान वहाँ से लोकसभा के एमपी की तरह वॉकआउट कर गए हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मुझे मेरा भगवान बहुत प्यारा है। यू मे गो। कैमरा नहीं लाऊंगी सर, लेकिन अगर आपने अलाउ किया तो मैं अनाथों के लिए 20 लाख रुपए दान दे दूंगी। क्या है कि अनाथों का नाम सुनकर मेरा दिल पिघलने लगता है? 1 लाख एडवांस दे दो। सॉरी सर, काशमोरा सर को ज्वाइन करने के बाद। गई भैंस पानी में। ये कौन है? चला जा, आ जा। क्या मांगता है? आपने हमारे बैंक में अकाउंट खोला था, उसकी एटीएम पासबुक चेक सब कुछ लेकर आई हूँ। अब निकल। सर, ये तुम्हारी चेली असिस्टेंट बनना चाहती? हाँ सर, प्लीज प्लीज सर। मैं प्रोफेसर दिखता हूँ, फूट ले। कॉल दोबारा आना। कुछ बोलिए ना प्लीज। कॉल क्या, परसों भी आने की जरूरत नहीं है। चलो चलो, जाओ यहाँ से, बेटे का फैसला फाइनल है। गेट आउट, गेट आउट। कॉल गेट इन, कॉल गेट इन। रियल एस्टेट से जुड़े राजेश कुमार और उनकी फैमिली के सनसनीखेज मर्डर का केस अब सीबीआई को सौंप दिया गया है, जिससे मिनिस्टर बहुत परेशान है। वो राजेश का केस सीबीआई के पास चला गया है। उसे क्या फर्क पड़ता है? जब तक हमारा हाथ तुम्हारे सर पर है, कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। इस सीबीआई, एफबीआई सब राजनीतिक जीवन के छोटे मोटे विघ्न है ससुर, तुम चिंता ना करो। राहु छठे घर में से चंद्र पर दृष्टि डाल रहा है, एक अल्पकाल ग्रहण है, छोटी मोटी चिंता आएंगी। अरे तुम्हारे जैसे देश के सेवकों पर ये छोटे मोटे इल्जाम तो लगते ही रहेंगे हमेशा भाई। तुम बस कर्म करो और फल की चिंता हम पर छोड़ दो। स्वामी जी, दरअसल दिल बहुत बेकरार है। दिल को जरा काबू में रखो। अगर राई का तेल खाते हो तो थोड़ा मीठा तेल खाना शुरू करो, और बिटवा जरा अच्छी सोबत में रहा करो। ये किन लोगों को पाल रखे हो अपने आसपास? अब तुम जाओ, हमें लघु शंका आई है। ओहो, चलता हूँ स्वामी जी, खुश रहो। काशमोरा ने साइंस में टॉपर होकर भी ज्योतिष शास्त्र और तंत्र में गहन खोज करके बहुत सी आत्माओं से बात की हो, पर वो ठस से मस नहीं। अकाउंट डिटेल्स दे दीजिए, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगी। तुम पर गरीबों का आशीर्वाद बना रहे। कॉल 4:20 पे आ जाना, काम हो जाएगा। और आमला जी, पिताजी, इसे मेरे अकाउंट का नंबर दे दो, ये रकम जमा करवा देगी। 501-00-00-596-5721-IFSC-0024। इकड़े काय करती? आपके पापा ने मुझे यहाँ 4 बजे आने के लिए कहा था, लेकिन समझ में नहीं आया शाम के या सुबह के, तो सेफ्टी के लिए मैं सुबह के 4 बजे आ गई। ए, तेरे पास का डबल भेजा है, ये तारे को बैंक दिखे जो सुबह सुबह ड्यूटी बजाने आ गई। मुझे सैलरी नहीं चाहिए, इनफैक्ट मैं आपको अपने होने का एहसास भी नहीं होने दूंगी। जैसे आत्मा ही नहीं दिखाई देती, मैं भी नहीं दिखाई दूंगी। किसने बोला कि मैं आत्माओं को नहीं देख सकता?
कूल सर, इसीलिए तो मैं आपको ज्वाइन करना चाहती हूँ। मेरी थीसिस पूरी करने में एक आप ही हैं जो मदद कर सकते हैं, प्लीज सर। थीसिस का टाइटल क्या है? आत्माएं डराती क्यों है। कल आ जा। थैंक यू वेरी मच सर। ए, क्या करने वाली है? आत्माएं और उनसे जुड़े फ्रॉड बिजनेस का शटर डाउन। कैसी रही? इसकी पूरी फैमिली के डीएनए में फ्रॉडनेस है। हर फील्ड की तरह इसमें भी फ्रॉड्स हैं। उसके लिए हर तांत्रिक पर शक तो नहीं किया जा सकता ना, वो गलत होगा। कुछ तो बात होगी उसमें जो उसके इतने सारे फॉलोअर्स हैं। ये एक तरह का मास हिप्नोटिज्म है, मेंटल कंडीशनिंग। दिमाग में बस वहम डालना होता है। याद है एक जादूगर ने कुछ मिनट्स के लिए ताजमहल को गायब कर दिया था, पर वास्तव में वो वही था। यानी आत्मा का कॉन्सेप्ट एक छलावा है, अंधविश्वास है क्या? ये बात सच है या नहीं, ये बहस का विषय बिल्कुल नहीं है। विषय ये है कि जो लोग कहते हैं कि वो भूतों से बात कर सकते हैं और उन्हें भगाना जानते हैं, उन्हें एक्सपोज करना ही मेरी थीसिस है। मुझे प्रूफ करना है ये एक फ्रॉड बिजनेस है। मतलब काशमूरा फ्रॉड है, यही पता लगाना है ना? अरे इसमें पता क्या लगाना, वो तो कंफर्म 420 है। मुझे बस एविडेंस ढूंढना है, दैट्स ऑल। भाई कभी रूह भगाते थे, अब मच्छर भगा रहे हैं। गुस्सा करने से क्या होगा, यही सच है। जिन्नात से निजात पाने के लिए लंबी कतारें लगती थी, अब कब्रिस्तान सा सन्नाटा है। बुरे जिन जैसा है ये काशमोरा। अरे बकरीद में तो हमसे मुफ्त की बिरयानी उड़ाता था ये, और अब हमारे ही खाने के वांदे हो गए हैं। उसका कुछ इलाज करना पड़ेगा भाई। यही हाल रहा ना तो हम दोनों को पेट भरने के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। भाईजान, काशमोरा स्वामी का आश्रम किधर होगा? चेरकुट। क्या लोग हैं? नाग देवता के बिल के नीचे अंडों का स्टॉक, मैं इनकी बाद में खबर लेता। लगता है यहाँ पे सबके सब बेगैरत हैं जी। और ये केम छो भाई, मजा मा? अपने बेटे को बुलाओ जी। बेटे को काशमोरा, वो ही इस वक्त ध्यान लगा रहा है। पापा मोटर चला दो, पानी खत्म हो गया। गुसल खाने में ध्यान लगा रहा मियाँ? जगह मायने नहीं रखती, दिल में श्रद्धा होनी चाहिए बस। बेवकूफ मत बनाओ मियाँ, अंडे और दूध कहाँ को जाते इस बात का हमको पूरा इल्म है। वो अंडे नागराज के पास जाते हैं, दूध योगराज को सप्लाई होता। अच्छा है। अच्छा मियाँ, फिर वो चाय और ऑमलेट की दुकान पे तुम्हारी फोटो क्यों? किसे टोपिया पहनाते जी, वो सब तुम्हारी तो है ना है? अरे गलत, दुकानदारों ने आउट ऑफ लव गुड लक के लिए लगाए। बस भी करो मियाँ, लाफिंग बुद्धा की तरह हंसना बंद करो जी। मंडलवास कहीं क्या चाचा जान? ऐसा लग रहा है कि सुबह सुबह बाजी घड़ी के अंदर उबाल आ गया है। तबीयत तो ठीक है ना चाचा? बेटा मेरी तबीयत दुरुस्त है, हाँ? आज भी मैं 10 लोगों को एक साथ पछाड़ सकता हूँ। धक्का क्यों मार रहे मियाँ? अरे माफ करना, हो जानबूझ के नहीं किया। जब से तुम लोग आए हो है मेरे कारोबार पे नजर लग गई जी। मोटा भाई, नजर उतारने का उपाय है, एक बरगद के पेड़ पर कील गाड़ दो, धंधा फलने फूलने लगेगा बरगद के वृक्ष की तरह। क्या बात है मियाँ, हकीम को इलाज सिखा रही। चाचा जान, भेजे में क्या चल रहा है, उगल डालो। बेटा आज तक का इस शहर में सब लोग बिना भेदभाव के अमन से रहते थे और मजहब का कोई मसला नहीं था। घुमाओ मत, डायरेक्ट पॉइंट पर आओ ना। पॉइंट पे? अरे ये पॉइंट पॉइंट क्या कर रहे हैं, मुझे फैसला चाहिए। मियाँ देखो, आज के बाद मुसलमान भाई मेरे पास आएंगे और वो क्रिश्चियन लोग उसके क्या Michael, नाम है उसका? हाँ वही झाड़ फूका करने माइकल के पास। जब से तुम लोग आए हो, कोई भी मजहब या धर्म हो, भूत या जिन उतारने सिर्फ तुम लोगों के पास आते। ए काशमोरा मियाँ, हम भी तुम्हारी तरह धोखाधड़ी करते हैं। ऐसा है? मोटा भाई, हमें यकीन नहीं होता, क्या तुम धोखाधड़ी करते हो? ओ मियाँ, मैं अकेला धोखाधड़ी नहीं करता। काशमोरा मियाँ, तुमने तो अपनी गैरत को दीवारा पे टांग दिया, और वहाँ देखो नाग देवता को दूध नहीं चाय उलट पिला रही। अरे चाचा क्यों गुस्सा हो रहे हो, किसी दिन मैं आपको भी टीवी पे बुलाता हूँ। रुको मियाँ, देखो यही बात तो समझा रहा मैं है? तुम टीवी पे एक्टिंग करके तांत्रिक लगते मियाँ। अच्छा? और हमको तो एक्टिंग तक नहीं आती। अपुन सिखा देगा एक्टिंग तुम्हें। इस उम्र में तुम हमसे क्या एक्टिंग कराएंगे मियाँ? तुम्हारी जैसी हाथ सफाई और जादू के कमाल हमको थोड़ी आते, ये सीखने के लिए दोबारा जन्म लेना होगा। सुनो ये जादू है, वहाँ वहाँ रोड़ा पे ऐसा जादू, सड़क छाप जादूगर झोला में लेके घूमते मियाँ, और भोली भाली आवाम है, इसे 100% सच समझ बैठती क्या? लेकिन ये गलत है, मुझे भी बिजनेस में हिस्सा चाहिए क्या?
तो मुझे तेरी भी कमाई से हिस्सा चाहिए। अरे तेरे बाप की उम्र का हूँ बेटा। अरे मियाँ समझाओ इसको, तेरे को बुढ़ा मर जाएगा, छोड़ दे। पापा देखो यहाँ का थानेदार मेरा बहन हुई है, अगर शिकायत आ गई तो तुम लोग अंदर हो जाएंगे, बाद में मत बोलना मेरे को। क्या होश निकले उधर से, अपने बहनों को भेज देना, उसकी लाइफ भी सेट कर दूंगा। अल्लाह हाफिज। ए मियाँ तू हमको बर्बाद करेगा, तू हमको सड़कों पे लाने की सोच रहा, मैं तेरा असली चेहरा सामने लाऊंगा। सुन ले, कल पुलिस को लेकर आता मैं, तुम्हारा धंधा चौपट करवा के तुम्हें जेल भिजवाता, मर्दा की औलादे तो घर पे चलेना। भक्त जन पधार चुकी है, अभी से कलेक्शन शुरू कर लूंगा, तो रात तक 2-3 लाख रुपए जमा कर लूंगा। कासमोरा, वो भाईजन पुलिस को ले आया, पूरी फौज साथ में आई है, जल्दी सबको छुपा दो, और हाँ नाक के बिल को किसी और के बिल में छुपा दो। कासमोरा कौन है वो? मेरा इस घर से कोई लेना देना नहीं हो, मैं साड़ियाँ बेचता हूँ। ये देखो मैंने सैंपल पहना है, 2 पे 5 फ्री है। तुम्हारी बीविया कितनी है? पिताजी आपने मेरा शॉल देखा? और यह बड़ी शरारती बच्ची है, कॉलोनी के हर आदमी को पिताजी बुलाती है। यू प्लीज कंटिन्यू। आपको ACP ने बुलाया है। संत बन के भोली भाली औरतों का जेवर चुराता है, दूध भगाने का ढोंग करके गरीबों का खून चूसता है। खून चूसता किसको कहते हैं ना, मैं तेरे को बताता हूं। आज के बाद से काला जादू नहीं करूंगा साहब। तंत्र मंत्र के नाम पे लोगों को उल्लू बनाता है, आगे से नहीं करूंगा साहब, आगे से नहीं करूंगा। क्या समझता है तू अपने आप को, बहुत बड़ा तांत्रिक? जब जब देखो तब फ्रॉडगिरी करता रहता है। ठीक है चल, आपको साहब अंदर बुला रहे हैं। साहब क्या रे, जो मैंने सुना वो सही है क्या? क्या सुना है आपने? तो टीवी में प्रोग्राम करता है, बहुत हिट है, तेरा TRP बहुत जबरदस्त है। हा? उनका शो है, उनकी TRP है, मेरा कुछ नहीं है। ठीक है बैठ, हाथ की सफाई करता है ना, संभल जा। गलत शिकायत की है किसी ने आपको मेरी, ये हाथ की सफाई नहीं है। असर ये भगवान की देन है, जहां आपकी वेव्स फ्रीक्वेंसीज वाइब्रेशंस आत्माओं से मैच कर जाते हैं और फिर आप उनसे बात कर पाते हैं। आत्मा इस समय मैं पुलिस स्टेशन में हूं, ACP साहब से बात कर रहा हूं। काजी-गुड़ी-गुड़ी ग्रेविटी कुछ क्या? लेकिन साधारण मनुष्य ये सब नहीं समझ पाएगा, सिर्फ आप जैसे इंटेलेक्चुअल लोग ही समझ सकते हैं। आत्माओं से बात करने का डिप्लोमा किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है, इसलिए सोचा कि एक डिप्लोमा प्रोग्राम शुरू कर देना चाहिए। मेरी पूरी फैमिली सेवा में लगी है सर। सही आदमी ढूंढा है। ए हीरो, ऐसा कोई विशेष ना है, स्टेशन के पास से गाड़ी चोरी हो गया है, उसको ढूंढ के देना प्लीज। आपकी गाड़ी थी? डिपार्टमेंट की गाड़ी, इसीलिए तो फटी पड़ी है मेरी। इधर के जितने गाड़ी चोरे उनको लाके तोड़ा, उनका काम नहीं है, समझ ला इसका। क्या सर, पुलिस नेटवर्क, GPS ट्रैकिंग, ये सब के होते हुए भी अपनी गाड़ी ट्रेस नहीं कर पाए, यकीन नहीं होता है। ऐसी बात नहीं है रे, क्रैश हुए ला प्लेन भी कहां मिलता है, ये तो गाड़ी है। 2 दिन के बाद CM के साथ मेरा मीटिंग है, इज्जत निकल जाएगी पब्लिक के सामने, कुछ करना बाबा। ये काम पुलिस स्टेशन में नहीं हो पाएगा, तू जगह बता, मैं सब इंतजाम करूंगा। इसमें आप क्या करेंगे, काली देवी के मंदिर पर ध्यान लगा के डायरेक्टली मैं आत्माओं से चैटिंग करूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप तो जानते ही हैं कि पुलिस स्टेशन में क्या क्या होता है। क्या? आत्मा यहां नहीं आएगी। तो फिर मेरे घर आ जाइए, दोपहर तक पूजा करके शाम तक जवाब दूंगा। भैंस का दूध और मुर्गी के अंडे लाना मत भूलिएगा, काम हो जाएगा। स्वामी जी सिर्फ अंडे लाओ या काजू चकली वगैरह? दारू पीनी है जो चखना लाओगे? स्वामी जी ऐसी बातें करते? सॉरी बाबा, आत्मा से मैं बात करूंगा, दूध और अंडे नाक के बिल में चढ़ा देना। ओके। स्वामी जी ये बात हम दोनों के बीच में ही रखना, बात मुझ तक ही रहेगी, बिल में जाने के बाद दूध बाहर नहीं छलकता। कैश। सर अंडे की भुर्जी नहीं बनानी है, इसे प्यार से गिराइए, नागराज स्वामी डिनर में खुद खा लेंगे। ठीक
साहब आप क्या अंडे एक सीमा रेखा जहां दो भाषाओं का संगम होता है। अरे बाप रे, पाकिस्तान बॉर्डर मतलब गाड़ी टेररिस्ट के पास। उस जगह का नाम ता से शुरू होता है और ता पर खत्म। बोले तो थाईलैंड। चुप। ता से शुरू वाली दा पे खत्म होने वाली कोई जगह नहीं है स्वामी। कहीं ये क्या कनाडा तो काडा भला ना ताड़ा ताड़ा जुमरी तलैया से 500 किलोमीटर दूर फ्लाईओवर के नीचे केसरिया रंग के लुभावने रंग में रंगे एनटीआर के पुतले के नीचे खड़ी है। ए, जल्दी मालूम कर। ओ साजा। सब कुछ रेडी है, तू फोन लगा। गुड मॉर्निंग सर। साहब मैं इंस्पेक्टर राजेश शिंदे बोलता है। गाड़ी बॉर्डर क्रॉस किया मैं कुछ लोचा तो नहीं होएगा ना। बॉर्डर मनुष्यों के लिए होता है, आत्मा ना टोल भरती है और ना रोड टैक्स। साहब एक गाड़ी मिली है उधर आ बोल रहा है। इसे कैसे पता चला? इंसान तो क्या शैतान भी उसे नहीं छू पाएगा। हाँ बोलिए सर। साहब उसे हाथ लगाया तो हवा में उड़ गया। वो जो भी हो उससे कहो कि गाड़ी से दूर रहे। साहब जल्दी आओ गाड़ी से दूर रहो। साहब खलनायक बाहुबली ब्रह्म स्वाहा। खलनायक बाहुबली ब्रह्म स्वाहा। फास्ट एंड फ्यूरियस 7 क्लीम स्वाहा। फास्ट एंड फ्यूरियस 7। साहेब गाड़ी सेल्फ स्टार्ट हो गई। चली मारी तेरी माँ का सागी ना था। तेरी मेरी माँ का साकी मारा माकी मारा। तेरी माँ का सागी ना था। तेरे ला माँ का री। गाड़ी चल रही है साहेब। बस काफी हो गया। गाड़ी रोक ले ना साहेब। गाड़ी रोक के बोलो। गड्डी ड्राइविंग फास्ट हम चलता हूँ। गड्डी ड्राइविंग फास्ट हम चलता हूँ। गाड़ी पुलिस स्टेशन आ रही है साहेब। गड्डी ड्राइविंग फास्ट हम चलता हूँ। गड्डी ड्राइविंग फास्ट हम चलता हूँ। चल। जय हो बाबा। जय हो काश्मोरा बाबा की जय हो। स्वामी मैंने आत्मा वाली बात पे यकीन नहीं किया। उस आत्मा ने गाड़ी जिधर से खोया था उधर ही पहुंचाया। देखो देखो मेरे वैक्सीन किए रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं बाबा। शांत हो जाओ। एक्साइटमेंट हेल्थ के लिए हानिकारक है। अभी तो भगवान में विश्वास हो गया। आप जिधर खड़े होएंगे मंदिर उधर ही बना दूंगा बाबा। आशीर्वाद दो बाबा। अरे आप किधर जा रहे हैं बड़े बाबा? आप भी आशीर्वाद दो। अरे रहने दो। आप जैसे बड़े ऑफिसर संतों के पैर पे गिरे ये हम जैसे सन्यासियों को शोभा नहीं देता। मत बोलो बाबा, मेरे लिए ऊपर भगवान नीचे आप है। मेरे को आपका चरण में जगह दे दो थोड़ा सा बाबा। दो ना बाबा दो। रुकिए एक सेकंड। क्या भाईजान आप इनकी इतनी बुराई कर रहे थे? देखिए उधर खुद एसीपी सर उनके चरणों में गिरे हैं। स्वामी वो गाड़ी चोर का नाम बताओ ना मैं उसको दंड दूंगा। आत्मा उन्हें दंड देंगी। Don't ask this question again. अपने सीनियर को फॉलो करना मेरी ड्यूटी है। काश्मोरा जी की जय। सीधे बिजनेस करने में जितनी अकल की जरूरत होती है उससे कहीं ज्यादा दिमाग लड़ाना पड़ता है दो नंबर के धंधे। मौलवी साहब की धमकी के बाद काश्मोरा ने आने वाले खतरे को भांपते हुए एक सीनियर पुलिस ऑफिसर की गाड़ी रात को ही उड़ा ली और अपनी टीम की मदद से वैसी ही दूसरी गाड़ी बना ली। मैडम दोनों कार रेडी है। डुप्लीकेट को ताड़ा भेज देंगे और ओरिजिनल को पुलिस स्टेशन। एक कार पुलिस स्टेशन के पास छुपा के रखी और दूसरी कार ताड़ा क्रॉसिंग पर। डुप्लीकेट कार में करंट के झटके वाले गैजेट्स फिट किए और एक ड्राइवर को छुपा के कार में बिठा दिया। पुलिस के सामने कार अपने आप स्टार्ट होकर आंखों से ओझल हो गई, जबकि ओरिजिनल गाड़ी पहले से ही पुलिस स्टेशन पर खड़ी कर दी गई थी। इस तरह काश्मोरा ने ऑफिसर के सामने खुद को महान तांत्रिक साबित कर दिया। आत्मा से चैटिंग करके काश्मोरा ने न सिर्फ कार का लोकेशन बताया। हाँ सर हाँ सर गाड़ी हाँ पुलिस स्टेशन आ गई है सर। बल्कि ऑफिसर को यकीन भी दिला दिया कि एक आत्मा ने कार को ड्राइव करके उसे पुलिस स्टेशन तक पहुंचाया। इस चमत्कार को ऑफिसर ने नमस्कार किया। बिजनेसमैन राजेश और उनकी फैमिली के हत्यारे का अभी तक पता नहीं चल पाया है। शक के घेरे में आए मिनिस्टर ने प्रेस से दूरी बनाई हुई है। पुलिस अब तक इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सनी जैसे ही आपने आज का अखबार पढ़ा? आपने कहा सीबीआई और एफबीआई दोनों संभाल लेंगे। प्रेस के सामने चुप रहने के लिए कहा। रिपोर्टर मसाला मार के न्यूज छाप रहे। हमारा गणित तो ठीक था। ये सब कुंडली में तो नहीं था।
अब बुझे, जिस रस्सी से राजेश को फांसी लगाई थी वो पीले रंग की थी ना? मैं क्या राजेश की पेंटिंग बना रहा था जो आपसे रंग पूछता? हो जाइए ना बेटी, धीरज रखो। इस सब से बचने का उपाय है, हमारी बात मानो और एक ठो हवन करवा लो। वो हवन के बाद तुम खूब माल कमाओगे। कर ले, हवन कर ले। सर आप कहें तो दूसरा ज्योतिष अरेंज करें। हाँ बोल। आपको बताए थे ना वो टीवी पर जादू, तो सारे ज्योतिष फ्रॉड लगने लगे। चल भाग। क्या हुआ? काशमोरा स्वामी टीवी वाले हैं ना? हमारे काशमोरा स्वामी? हाँ वही साहेब, काशमोरा को अच्छी तरह जानता हूँ, एकदम रॉकिंग है। एक बार आजमाएंगे ना, गारंटी देता हूँ कभी छोड़ेंगे नहीं उसको। आप सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। प्रचोदयात्। आपके दर्शन हो गए, मैं धन्य हो गया। सच में लगता है कायनात का जर्रा जर्रा आपसे मिलवाने की साजिश में लगा था। स्वामी आपके साथ एक सेल्फी ले सकता हूं क्या? फेसबुक पे डालूंगा। ले लो। मैं क्या बोलूं? गुरुजी मेरे कंधे पर हाथ रखेंगे, थोड़ा स्माइल कीजिए ना। बात कर। हो थोड़ा कोने में आओ ना स्वामी। क्या है स्वामी, इसको काय को डिमांड दे रहे हैं आप इतना? आप सेल्फी में बिजी है और मंत्री जी आपका वेट कर रहे हैं। क्षमा कीजिएगा, इन्हें देख करके मेरे होश खो गए। आप बताइए। कुछ खास नहीं है, कुछ दिनों से घर के अंदर घर के बाहर माइंड में बहुत डिस्टर्बेंस है। एक को सॉल्व करूं तो दूसरी प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। यकीन नहीं होता स्वामी जी के रहते संकट समीप कैसे आ सकता है। अब मुझे माफ करें, मैं स्वामी जी की जगह नहीं ले सकता, मामूली पुजारी हूं। ये तो स्वयं भगवान है, इनका आशीर्वाद लेकर के आप मेरे पास आ सकते हैं। आशीर्वाद है, चलता हूं, अनुमति दे। कोई है यहां? बहुत शक्तिशाली है। आज भरानी नक्षत्र है, कृतिका कब आएगा? बुधवार को। उस दुष्ट को बाहर निकालो, दो दिन के बाद उसे बाहर निकाल पाऊंगा। दो दिन के बाद आत्मा को भगाएगा, उसके लिए पहले उसे एक नकली भूत पैदा करना होगा। तू रातों तक उल्लू की तरह आंख खोले रखना है, फिर देखते हैं वो ससुराहा मरी जगह कैसे लेता है। हमारे अनुभवी ज्योतिष महाराज जानते थे कि काशमोरा जैसे फ्रॉड तांत्रिक कौन कौन से पैतरे आजमा सकता था। या तो काशमोरा 3D स्पेशल इफेक्ट से भूत क्रिएट करने की कोशिश करता, या फिर चुपके से ब्लैक मैजिक वाला पुतला घर या गार्डन के किसी कोने में छुपा के रखता। अपने दोनों असिस्टेंट्स को जेम्स बॉन्ड और करमचंद बना के घर की जासूसी करवाने लगे। मगर अफसोस, दिन रात उल्लू की तरह जाग के भी ज्योतिष महाराज काशमोरा के खिलाफ सबूत नहीं जुटा पाए। वो इस बात से एकदम बेखबर थे कि काशमोरा घर के अंदर नहीं बल्कि घर के बाहर कुछ करने वाला था। वो स्वयं ज्योतिष महाराज को अपने चक्कर में फंसा के उसे घनचक्कर बनाने की फिराक में था। अब तो ज्योतिष महाराज को भी लगने लगा कि शायद काशमोरा सच में भूत भगाने की विद्या जानता है। भगा पाएगा या भूत को भूतनी का? हमको तो लागत नहीं है। आ जा भूत जी।
खेत में खुले सांड जैसा घूम रहा है, भूत का वाईफाई कनेक्शन ढूंढ रहा है का? आत्मा जैसे खुद ही कनेक्ट हो जाएगी। यहाँ छुपा है वो। सुलेमान सेठ, हाउ आर यू? व्हाट्स द न्यूज? हु? वेयर? ओके ओके, शूल, व्हाट शूल? ये भूतनी का किससे बात कर रहा है? स्वामी जी, कौन अंग्रेज आत्मा लागत है? ओह, यू मीन त्रिशूल? वो जो एक चक्र में कैद है, ये तो अनर्थ है। डिटेल पूछो। अच्छा, गाड़ी, गाड़ी। आपकी मर्सिडीज की बात कर रहा है? हाँ, गाड़ी, एक बड़ी गाड़ी। भूतनी वाले ने गाड़ी में कुछ झोल किया है, हम उल्लू के बच्चों का पता कहीं नहीं चला। हाँ भाई, काम हो गया। सफेद मर्सिडीज है, गाड़ी का नंबर है 3x5। सारी बेंस के नंबर 555 है। रजिस्ट्रेशन के लिए कोई और नंबर नहीं मिला क्या? उस स्वामी के बजाय इस स्वामी को फंसा दिया। सॉरी, फिर से बोलो, पूरी डिटेल्स नहीं सुन पाया, कान में तकलीफ थी। TN20 यानी तिरुवलर, ये नहीं होगा। TN11 यानी तंबरम, कैंसिल, जरूर यही होगा। गधे कहीं के, अकड़ बकड़ करना पड़ेगा मुझे। स्वामी जी, अबे गेस करने का टाइम तो दो। ढूंढ रहा है, ससुर फूर हो गया। काशमुरा, सोच ले या फिर नया धंधा ढूंढ ले। ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल मैनेज। मैंने तेरी गलती माफ की, जितना याद है उतना बता दे। कॉन्फिडेंट है? ए, फुटेज क्यों खा रहा है? बता, मेरे कान खुले हुए हैं, बोलना। हाँ बाबा, मैं सुन रहा हूँ, क्या कर रहा है, बोलना बोलना रे। अरे बोल, सुन रहा हूँ मैं, बोल। देख, तू बता रहा या नहीं, मैं तेरे पास आऊँ क्या? सर, स्वामी जी की कार चेक कीजिए। चेक कर जल्दी, अगर गलत निकला ना तो फिर देख लेना। अगर ये कार नहीं निकली ना तो काशमोरा तेरा धंधा बंद हो जाएगा। चलो, अगर नहीं मिला ना तो समझ जाना, समझ गया? सर, गाड़ी में कुछ मिला है। ओम रीम क्लीम चामुंडा विष्णु ओम स्वाहा। छत पर जाकर इसे जलाना और चौपाटी जाके विसर्जन करना। लेके जा, लेके जा। ये स्वामी के कार में कैसे? बिना जड़ के पेड़ नहीं बचता। स्वामी इस घर की जड़ है, इसीलिए इनकी कार को चुना। तो ये स्वामी जी को पता क्यों नहीं चला? उम्र के साथ बाल का रंग ही नहीं उड़ता। सर के अंदर की हार्ड डिस्क भी क्रैश हो जाती है, जो रिपेयर नहीं होती। स्वामी जी, वो तो आपसे फास्ट निकला, रिटायरमेंट ले लीजिए। हेलो सर, वकील बात कर रहा हूँ। मुबारक हो, राजेश मर्डर केस आप जीत गए हैं।
1000 भूतों को मोक्ष दिलवा रहे हैं, गिनीज बुक का रिकॉर्ड बनेगा। सर किसी सेफ जगह चलकर यूट्यूब पर लाइव देखेगा? इस वक्त हम नहीं जाएंगे, पहले भूत जाएगा उसके बाद हम जाएंगे। ठीक बात। पब्लिसिटी पाने का ये अच्छा मौका है, सब जगह ये न्यूज होनी चाहिए कि काशमोरा को हमने प्रमोट किया है। ऐसा ही न्यूज होगा। गिनीज बुक में काशमोरा की फोटो छपेगी, उसमें मेरी फोटो भी होनी चाहिए। छपवाई देंगे। अरे देखो ठीक से टेंट लगाओ, 1000 आत्माएं आने वाली हैं, उन्हें धूप नहीं लगनी चाहिए। संभाल के। मैं गुंटूर जलपति राव हूँ। अच्छी बात। आडा के समीप मेरा एक बंगला है, वो मंदिर के पास वाली दुकान, वहाँ 13 आत्माएं रहती हैं। ये 13 मेरा क्यों? 13 यानी नंबर वाला 13। ओ, दर्जन अंडों से एक ज्यादा वाला 13। काशमोरा स्वामी आप वहाँ आ जाते। वो क्या है स्वामी जी की समय की बहुत किल्लत है, गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए मुझे 1000 आत्माओं को ऊपर पहुंचाना है। 1000 आत्माएं? कुछ फ्रेंच जर्मन और रशियन आत्माएं भी हैं। सच कहूं तो शेड्यूल इतना टाइट है कि आना मुश्किल है। अपनी बहन को भेज दूंगा मैं, वो उन आत्माओं को संभाल लेगी। ऐसा न कहिए स्वामी जी, इसके लिए मैं हर तांत्रिक आजमा चुका हूँ, सब के सब फ्रॉड है। कोई एक भी आत्मा नहीं निकाल पाया। अगर आपके चरण पड़ जाते तो पैसों की कोई कमी नहीं है, जितने चाहेंगे भेज। अरे आप इतना जिद कर रहे हो तो ये तो इसका बंगला भी हड़प लेंगे। अपना एड्रेस मेल कर दीजिएगा, मैं पहुंच जाऊंगा। मैं एडवांस ले लेता हूं। मुझे भी उस बंगले में जाना है। असंभव। हाँ, बोलिए नेताजी। क्या ये रोज एक नई मुसीबत खड़ी कर देते हो? मुश्किल से तुम्हें राजेश मंडल के से बाहर निकाला और तुमने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया। ऑपोजिशन लीडर सुरेश कुमार और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है आजकल? क्यों, कुछ भी तो नहीं चल रहा है। तो वो तुम्हारे घर इनकम टैक्स की रेड क्यों करा रहा है? क्या रेड? घर के अंदर कुछ रखा तो नहीं? हमारे घोटालों के सबूत कहीं और छुपा के रखे हैं ना? सारे सबूत ठिकाने लगा दो। सपोर्टिंग पार्टीज के जो एग्रीमेंट्स थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स सेफ है ना? हाँ वो सब सेफ है। स्वामी जी के आश्रम में रख देगा? ए, अब काशमोरा हमारा स्वामी है। हाँ। ये सब कुछ उसके आश्रम पहुंचा दो। स्वामी जी बाहर मिनिस्टर साहब के आदमी आए हैं। आशीर्वाद चाहिए? हाँ जी। भेज दो। आओ, क्या बात है? हमरे साहब एक लैंड की डीलिंग के लिए जा रहे हैं। एग्रीकल्चर लैंड है क्या? उसके लिए उन्हें कोई पाठ पूजा करवानी है? हम लैंड की डीलिंग्स के पेपर आश्रम में रखने के लिए लाया हूँ। एक बार बड़े साहब भूमि पूजन कर लें, उसके बाद हम ही बैग्स ले जाएंगे। उन डॉक्यूमेंट्स के बैग को पीछे कोपचे में ले जाओ। जी स्वामी। मैं भी पहुँचता हूँ। जी जी। जा बच्चा, अंदर ले आओ। अंदर आ जाओ। यहाँ रखवा दो। इनकी पूजा करने के बाद मैं इन सब बैग्स को लॉकर में रखवा दूंगा। कहो तो उसकी डुप्लीकेट चाबी तुम्हें दे दूं? उसकी कोई जरूरत नहीं, बैग संभाल के रखिएगा। तो ठीक है, चलते हैं स्वामी। हाँ। जी। गजब हो गया, काशमोरा ढोंगी निकला, उस पर भरोसा मत करना। बाप रे, जलपति ने तो कहा कि बंगला है, ये तो किसी महल से कम नहीं है। एक केस के लिए सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था, 20 तारीख को घर में एक ब्लैक मैजिक का गुड्डा मिला, उसको 17 को किसी ने उस घर में रखा था। रखने वाले उसके चेले ही थे, पूरा फ्रॉड है। कुछ देर पहले ही सब कुछ दिया है, डायमंड्स था, गोल्ड था, कैश था, घोटालों के सारे रिकॉर्ड्स थे, सब मिला के 500 करोड़ होंगे। आइला, सब कुछ दे दिया। ओए, कल तक तो तू उसे भगवान बता रहा था और एक ही दिन बाद तू उसे फ्रॉड बता रहा है।
शाना समझता है क्या? ओए काश मोरा को बैग मत देना, वापस आ जाओ। अरे हम तो बैग रख दिए हैं, क्या हुआ? कोई भी बहाना बना के वापस लेके आ सारे बैग। और नहीं तो क्या? साहब यहाँ ताला लगा है। इतनी जल्दी भाग गया क्या? देखकर तो यही लग रहा है। भैया भैया टैंक फुल कर दो, भगवान तेरा भला करे। अपना फोन दो जरा। ठीक है स्वामी जी, कर लीजिए, पर बैलेंस कम है। डीजल भरना है? हाँ भरता हूँ। अरे कासमोर पापा बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बाबू। ये जो मिनिस्टर अपने पास आया था ना, ये कोई सिंपल नहीं है, बहुत बड़ा झोल है। क्या बोल रहे? पूजा के लिए वो लैंड के पेपर्स बैग में भर के लाए था ना, बड़े सुंदर थे। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उनको खोल के देखा। जैसे ही खोल के देखा, मालूम उसमें क्या मिला? क्या मिला? हीरे जवाहरात रोकड़ा कैश कुल मिला के 400 करोड़ के ऊपर होगा। क्या बोल रहे पापा, 400? रे उन सब के अलावा बैग में बेकार रद्दी भी थी। क्या बोल रहे, घर में 400 करोड़ रखे? रे घर में कैसे होंगे, सबको समेट के रफू चक्कर हो चुका हूँ। आप मेरे असली बापो। अब भी हाईवे पे हैं, ढाबा में लंच करके यहाँ से सीधे तुम्हारे मामा के बेंगलोर वाले आश्रम जा रहे हैं। तुम डायरेक्टली वही आना, प्लेन की तत्काल टिकट निकलवा के सब लोग बैंकॉक जाएंगे और मजाज कराएंगे। बोर हो चुके थे, इस देश के लोग हम पर आसानी से विश्वास कर लेते, फॉरेनर्स को चीट करना चैलेंजिंग रहेगा। बापो एक बात बोलो, आज मुझे बहुत फख्र हो रहा है तेरा बेटा होने पर। अपना ख्याल रखना और पैसों का भी। साहब बैग अभी घर के अंदर ही होगी, दरवाजा तोड़ के निकाल लेते हैं। कोई फायदा नहीं, बैग्स बैंगलोर हाईवे पर हैं। कुछ भी मत बको तुम। मैंने बैग्स में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम फिक्स कर दिया है जो हमें बैग्स की लोकेशन बता देता है। मुझे इस फ्रॉड फैमिली पर पहले से शक था। हेलो। उस परिवार का एक भी आदमी जिंदा नहीं रहना चाहिए। समझ गए। काश बोरा रुक जाओ, काम अधूरा है, छोड़ के मत जाओ। तुम कौन हो, यहाँ पर तो कोई नहीं रहता। किसने कहा मैं रहता हूँ ना? अब सुनो, घर पे एक जरूरी काम निकला है इसलिए जाना पड़ेगा। अंकल छोड़, अंकल अंकल क्या कर रहे हैं? अरे अंकल मेरा बैग गिर गया। अंकल अरे अंकल छोड़। ए, अंकल क्या कर रहे हैं? अरे अंकल छोड़ मुझे। ए, अरे अंकल छोड़, कहाँ लेके जा रहा, छोड़। ए, अंकल। हेलो दरवाजा खोलो। अरे उस बुड्ढे की कोई मदद करो दरवाजे को खोलने में। हेलो अंकल जी, दरवाजा नहीं खोला तो तुम पर भूत छोड़ दूंगा, श्राप दे दूंगा। इतने बड़े दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया, स्टूपिड। मेरी टेक्निक मुझ पर ही आजमा रहे, लो चुंबक। बचपन से करता आ रहा हूं ये, कोई नई ट्रिक आजमाओ मेरे साथ। ओके, तो कोई मेन बोर्ड से खेल रहा है लेकिन ठीक से नहीं कर रहा है, उसे तो मैं एक ही दिन में जॉब से निकाल देता। मेन बोर्ड पे तो कोई फास्ट आदमी चाहिए, इसे कहते हैं स्पीड। या तो ससुरा ऐसा लग रहा है कोई बच्चा ऑन ऑफ ऑन ऑफ कर रहा है, इस तरह कोई खाक डरेगा। सुनो बेटा, अपने काम में डिटेलिंग और टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। लेट पासिंग दे रहा है। इस फील्ड का होके पासिंग नहीं जानता? पावर कट होने पर अगर लेफ्ट की तरफ मुड़ो तो इतनी जल्दी सीख भी गया, तू इतना बुरा भी नहीं है। ये बंदा तेरा धंधा टेक ओवर कर लेगा। प्रदा शिफ्ट के बाद आके मुझे मिलना। हाँ बड़े भाई, मुझे ये डेमो देने की क्या जरूरत है, मैं कोई क्लाइंट थोड़ी हूं। अरे सेम धंधा है अपना, मैं कैसे डरूंगा।
लगता है तुमने तांत्रिक सम्राट श्री काशमोरा का नाम नहीं सुना है, अभी पता चल जाएगा। यहां के मिनिस्टर और एसीपी को जानते हो? लाउडस्पीकर ऑन है, सुनो। सिग्नल जैमर भी फिट किया हुआ है, बहुत बढ़िया। ये बात हुई ना, बस थोड़ा सा लेट है। मेरे एंट्री मारते ही ये झूमर गिर जाना चाहिए था, सॉलिड साउंड इफेक्ट देता है। एक सेकंड के अंदर नीचे यहां मुंह के पास आना चाहिए था, हार्ट बीट रुक जानी चाहिए। देख भाई, लाइन सही पकड़ी है तूने, लेकिन आजमा गलत आदमी पे रहा है तू, फिर से गलती कर रहा है। झूमर नीचे आता हुआ नहीं लग रहा है, लग रहा है जैसे मैं हल्लू से ऊपर आ रहा हूं। मम्मी, ये कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं होता बे। मम्मी, ये सरासर चीटिंग है। अरे मुझे ऊंचाई से डर लगता है, रस्सी मेरी बांधी है, बिना सपोर्ट के गिर जाऊंगा, हड्डी पसली टूट जाएगी। अबे सुन रहा है, जितने प्यार से उठाया वैसे ही नीचे रखना, धड़ाम करके मत छोड़ देना। ओए सर्कस का जोकर समझा है? ये सब लोगों को डराने के लिए होता है, उन्हें जान से मारने के लिए नहीं। मेरे पापा हार्ट पेशेंट है और मैं दिल का मरीज, प्लीज नीचे उतार दो। मम्मी, मम्मी, अरे मरी क्या मम्मी, मम्मी मरी, प्लीज नीचे उतार दो। धन्यवाद, ऐसे इफेक्ट्स तो मेरे पास भी नहीं है, मैं फुर्सत में सीखने आऊंगा तुम्हारे पास। तुम तो मेरे भी गुरु निकले, सैल्यूट है। अब दरवाजा खोल दो, मैं घर चला जाऊं। ये तो कुत्ता दिखाई दे रहा है भाई, इस रेबीज का इंजेक्शन तो दिया है ना, ये तो कुत्ता नहीं तंदूरी कुत्ता है। और कितने स्पेशल इफेक्ट्स बाकी है, इसका नाम तो बता। टॉमी है या जॉनी या फिर स्वीटी या पिंकी, मुझे अपना डिनर समझ रहा है, बचा इससे। सौ करोड़ लूटने के बाद ससुरा आशीर्वाद दे रहा है। ए चलो अरे ठहर जा यार, चलो ठहर जा, पीठ में दर्द हो गया। ए अरे आइस्टा, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है तू? मेरे हाथ कंट्रोल में नहीं है, किसी ने लॉक कर दिया है। मैं तुम्हें नहीं घुमा रहा, कोई भूत मुझे घुमा रहा। मैंने नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, अब मुझे कोई रिमोट से चला रहा है। देखो अब तुम्हें पर हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है। नहीं जाओ जाओ, हाओ हाओ, जाओ जाओ, वाओ 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 वाओ, आगे नूडल जैकी 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 नूडली जाए प्लीज। कहा ना हाथ कंट्रोल में नहीं है, कराए क्या? अरे बात समझ में नहीं आ रही क्या? अरे कोई कंट्रोल करो। अब तो यकीन आ गया ना, स्पाइडरमैन की आत्मा घुस गई है मुझ में, अब उसका बाप नीचे उतारेगा मुझे। वहाँ खड़े खड़े उसका मुंह का ताक रहे हो, मुंह का नीचे लाओ। भैया जल्दी उतारोगे तो तुम्हारा ही फायदा है, उतारो उतारो, यहाँ से उतरते ही बैग लेने चलेंगे, अब बॉडी छिपकली की तरह चिपक गई है, उतारो। ये हवा में किसे ढूंढ रहे हो? जल्दी यहाँ से कल्टी मार लेते, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तू हाथ पकड़, मैं इसको मारता हूँ।
सुपरमैन बन गया का? ऊपर कैसे गया? अरे मुझे भी नहीं पता। तो नीचे आ। आ रहा हूँ। कासू, बेटा कासू। बाबू, बाबू, कहाँ हैं आप? अरे कार में बैठा हूँ। अरे पर कार कहाँ पार्क है? ये पेड़ के ऊपर पार्क है। क्या? अबे इतनी देर से हवा में तैर रहा था, एक बार भी नजर नहीं पड़ी। बाप रे। अरे बाबू, वहां कैसे पहुंच गए? और पैसे का बैग तो आपके पास है ना? अरे गधेड़ा, हम सबकी जिंदगी लटक रही है और तुझे बैग की पड़ी है बेशरम। अरे पहले हमें उतारने का तरीका सोच। बाबू पैसे का बैग फेंक दो, उसे तो सेव कर लेता हूँ। धोखेबाजी में तू मेरा भी बाप है, उतारने के बाद ही बैग की शक्ल दिखाऊंगा। कंजूस। पानी में। अरे सत्यानाश, बेटा कासू, ये सब कुछ ने मिनिस्टर का किया धरा है, उसके स्वामी का टोटका। नहीं बापू, ये काम उनका नहीं हो सकता। उस जलपति ने बताया था आत्माओं का वास है। कैसी बातें कर रहा है? मेरे आने का तो लॉजिक बनता है, पर आप लोग यहाँ कैसे पहुँच गए? अरे हमारा यहाँ आने का प्लान नहीं था, नकली आत्माओं को भगाने का, और खुद फंस गए। चल भाग, चल, रिक्स मत ले, चल चल जल्दी चल। पापा, मम्मी, इस तरफ, जल्दी, दादी, चलो 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 जल्दी चलो, दादी इस तरफ, रुकना मत, पीछे मत जाना, जल्दी करो, आ जाओ इस तरफ, पापा इस तरफ, मम्मी भागते रहो, रुको मत, भागते रहो, आगे बढ़ते रहो, सवार क्या है, भागते रहो, रुको मत, आगे बढ़ो, अरे रुक जाओ, रुक जाओ, अंदर मत जाना, अंदर मत जाना, अंदर खतरा है, दरवाजा बंद मत करना, दरवाजा। लोटा है तांबे का। सही कहा भाया। क्या यही वो भूत है? मैं भूत कोनी भाया। तो फिर भूत टोन में क्यों बात कर रहा है? मारे उल्टे पैर चेक कर रहे हो? मतलब हाँ, मारी खूबसूरती ऐसी है भाया, मारी फोटो घर पे लगा लो तो नजर नहीं लगती। ओके, अच्छी बात है। पर तुझे ही नजर लग गई, हमारी तरह तू भी फंस गया। यहाँ आखिर हो क्या रहा है? यो 700-800 साल पुराना महल है, किसी रत्ना देवी नाम की राजकुमारी के लिए बनवायोगी हो। एक दिन आग लगने से घड़ो बड़ो हिस्सों जल गयो। चल 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 चल। इतना चिपक क्यों रहे हो भाइयो, डर गए हो क्या? हाँ भाया, थोड़ी सी, प्लीज कंटिन्यू। उस आग में सिर्फ ये इमारत ही नहीं जली, बल्कि यहाँ रहने वाले कई नौकर चाकर, पालतू जानवर और राज परिवार के लोग जिंदा जल गए। सुना है कि पिछले 700 सालों से उनकी आत्माएं यहीं भटक रही है। वीरान महल को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया अपने ऑफिसर्स के लिए। उन्होंने इसे एक बड़ी लाइब्रेरी में बदल दिया। और भाया, फिर एक दिन एक अंग्रेज आराम से बैठ के किताब पढ़ रहा था, किताब में से कुत्ता निकले और उसकी आंखें नोच ली, फिर डिनर में उसको गलो भी खा गयो। तब से हर दिन मौतें होने लगी, इसे लॉक लगा दिया गया और सब इसे एक भयानक भूतिया महल के नाम से जानने लगे। ए भाइयों, इतने दूर क्यों खड़े हो? मारे पास आओ नी, अरे पधारो मारे पास। फिर कई वर्षों बाद कुछ पॉलिटिशियंस की मदद से जलपति राव ने इस महल को औने पौने दाम में खरीद लिया। ग्रह शांति के लिए उसने कुछ पंडितों को बुलाकर यहाँ पर यज्ञ करवाया। उसके बाद भाई उस पंडित क्या हुआ उसका? फिर उसका जो हुआ वो भयानक था। हर बार पहुंच देना जरूरी है क्या? पंडित को मुंह लट्टू की तरह घूम गयो और राव चिल्लायो, आ?
लेकिन बात वही खत्म नहीं हुई भाया। पेड़ की शाखों ने अजगर की तरह उसकी लुगाई को लपेट लिया, फिर जलेबी की तरह घुमा घुमा कर उसको बाहर फेंक दिया। वो नजारों देख के भाग गयो। अब बचा ये महल तो इसे बेचने को काम मारे को दियो गयो है। मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूँ, इतने दूर क्यों खड़े हो, मारे पास आओ। उसके बाद क्या तुम जलपति राव से मिलने गए? और कठे जाऊंगा, ये इतनी देर बाद धंधा बताया। उसके बाद डील फाइनल करने से पहले उसने एक रात रुकने को कहा, 10 लाख एडवांस भी दियो भाया। मारे मन में भी ऐसो ही लड्डू फूटियो, तब से यहीं फंसा हूं भाया। जब मैं आयो तब 3 दरवाजे खुले थे, राजा की तरह एंट्री मारी, जब रिटर्न होने लगा तो दरवाजे अपने आप बंद हो गए। मारी हालत देखो, क्या 1.5 दिन से सुसू नहीं गयो। क्यों? सब बंद है, सब कुछ जाम है। थारे को देखकर सुकून मिला, तांत्रिक हो ना? मारा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी करो भगाओ उसे, जल्दी भगाओ, बीवी के पास जाना है। बस ध्यान रखियो, सारे भूतों की उम्र 700 सालों से भी ज्यादा है, तगड़ा मुकाबला करियो। सारे भूतों से क्या मतलब है थारो? कितने भूत है यहाँ? कम से कम 13। ये कोई गेम चल रहा है क्या? पब्लिक उसे संत मानती है, ACP उसे फ्रॉड कहता है, और तू उसे भूत बता रहा है? मेरे 500 करोड़ तो घुस गए, एक भूत से कैसे पैसे लूंगा? क्या हुआ, क्या है? एक केस तुम हम पर छोड़ दो, ये लोग भूत को देख के डरे हुए हैं। हमारे पार्टी के सीक्रेट पेपर्स उसके पास है, 2 दिन में कमिटी भी। टेंशन काहे को लेता है, बनारस के घाटों पर बैठ के सारे श्लोक याद किया हूँ, सब चकाचक हो जाएगा। अब उन बैग्स के साथ ही मुलाकात होगी। अरे तुम्हारी मेहनत का पैसा ऐसे थोड़े ना खोने दूंगा। वो तो पहले ही खो चुके हैं, जाओ नुकसान पूरा करो। क्या तुम आगे जाओ, मैं पीछे। अब लाइन तोड़ना अलाउ नहीं है। कोई नहीं है, कोई नहीं है, या कोई नहीं है। डर के मारे हील नहीं पा रहे हैं बेटा। सबके सब डरपोक हो आप, मुझे के कुर्ला स्टेशन का कुली समझाए। हटो, डरो मत, अगर चिल्लाएंगे ना तो अपनी आवाज से डर जाएंगे। अरे आप तो अपनी आवाज से भी डर लगने लगा। मैं लाइट जलाता हूँ। हाँ जल्दी जलाओ, जल्दी जलाओ, रोशनी करो। लाइट बंद कर, आग को बुझा, ऊपर पानी डाल, फायर ब्रिगेड को बुला, अंधेरा कायम रख, जब तक अंधेरा है हम भी जिंदा है। मेरे बैग्स, मेरा पैसा। ये कहाँ गए हम? हमारी सक्सेस का मेन राज ये है कि मेरी फैमिली के सभी सदस्यों का जन्म
रोहिणी नक्षत्र में हुआ है। ग्लैडिएटर भी इसी नक्षत्र का था, सॉरी ट्रांसफॉर्मर्स की फैमिली में यही कॉम्बिनेशन था। इतिहास गवाह रहा है कि ये सब बड़े तांत्रिकों की खूबी रही है, और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि इस युग में हमारी ही ऐसी अकेली फैमिली है। मैं आपको बता दूँ, हजार आत्माओं का मैं ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस रखूंगा, उनके साथ एग्रीमेंट करके उन्हें स्वर्ग का वीजा दिलवाऊंगा, और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। आपने पोस्टर्स और न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट्स देखे ही होंगे, और एक आध पोस्टर मैंने आपके यहाँ भी लगाया। मैं जब यहाँ आयो तब सभी भूत खड़े गौर से इसी इश्तेहार को पढ़ रहे थे। मुझे अंदर आते देखियो तो सारे दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर दिए। अब सब थारे पर है, हम सबको बचा ले। ये इससे छोटे साइज का ऐड नहीं छपवा सकता था। ये आत्माएं पढ़ना लिखना भी जानती है। अब या मोटा भाई, या भूत मोटा भाई, सच तो ये है कि हमें तंत्र विद्या का टीवी नहीं आता। हम सब साधारण मनुष्य हैं, आपके किसी काम के नहीं। ना, बेड आइडिया। रे कासू, सच बोलना भारी पड़ेगा, हो इनसे कस्टमर की तरह डील करना। अच्छा तो इन्हें मोक्ष चाहिए ना, तो करते हैं कुछ। बचा ले भाया, भेज देंगे आपको। 5 मिनट का काम है, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। मैं करता हूं कुछ। पप्पू, ये काम आप करोगे या मैं करूं? अरे छोटा सा काम है, तुम ही कर लो। ठीक है, मैं रास्ता निकालता हूं। तुम्हें यहां लाने का कारण मैं समझा चुका हूं, ऐसी कोई वजह पैदा मत करना कि मुझे तुम्हारा वध करना पड़े। अच्छा तो ये है भूतों का सरदार। अब उन बैग्स के साथ ही मुलाकात होगी। पड़ बोला कहीं का। कारण इस संसार में कुछ नहीं होता काशमोरा, उस कारण की खोज करो। क्या कर रही हो? और तुम अंदर कैसे आई? मैं कैसे आई हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम यहाँ कैसे पहुंची वो बात शॉकिंग है। जलपति राव याद है जिसने यहाँ का एड्रेस दिया था? जानते भी हो वो कौन है? नमस्कार देवी, मैं गुंटूर जलपति राव। जानती हूँ, आप वही है ना जो काशमोरा स्वामी से हेल्प लेने आए थे? कौन मैं? अगर मैं काशमोरा को जानता तो आपसे मिलने यहाँ क्यों आता भला? मैंने तुम दोनों का वीडियो रिकॉर्ड किया था, वीडियो में सिर्फ तुम दोनों दिखाई दे रहे थे, और जिस जगह वो खड़ा था वहां कुछ अजीब सा था। वो एक आत्मा थी, एक असली आत्मा तुमसे मिलने आई थी। अब तो भूत भी तुमसे हेल्प मांगने आ रहे हैं,
तू तो गया। क्या बात है सर? एक धुआं, ये बता दरवाजा बंद है, तू अंदर कैसे आई? मैं जब आई तब खुले थे। क्या दरवाजे खुले हैं? है? चलो यहाँ से निकलते हैं। मम्मी आप निकलो घर चल के। अरे घर जाके सोना। चलो 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 जल्दी भागो रे। एक सेकंड रुको, तुम सब दुम दबा के भाग क्यों रहे हो? आते वक्त दरवाजा खुला तो नहीं छूट गया, कहीं भूत डर के भाग गए तो? वो वही बस चेक करने जा रहा था। हटो भाया, दरवाजा बंद हो जाए उससे पहले मारे को तो यहाँ से जाने दो। जल्दी करो भैया, आत्मा जाग गई तो। चलो आ जाओ। इन बैग्स में क्या है? पूजा का सामान है क्या? हाँ पूजा का सामान। सर वैसे पूजा में कौन सा सामान लगता है? यह सवाल पूछने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। चलना क्यों डाल रहा? रणभूमि पर जन्म लिया, अस्त्र शस्त्र के बीच पला बढ़ा, रक्त से होली खेली और लाशों पर चलकर सफलता पाई। एक और गलती की तो वो तुम्हारी आखिरी गलती होगी। समझ गया जी। चुड़ैलों की कमी है जो तू चिल्ला रही है। मैं गुंटूर जलपति राव हूं। हाँ, जलपति राव की फोटो है। पेंटिंग के नीचे देखो। इसमें तो जन्म और मृत्यु की तारीख लिखी हुई है, और क्या? अरे भूल गई तू, तूने तो बताया था कि वो एक आत्मा है। उसकी डेथ हो चुकी है, और क्या? उसको मरे 75 साल हो गए हैं। उसकी आत्मा तुम्हारे पास आई समझ में आता है। लेकिन मेरे घर पर क्यों आई? ये तो लोचा है बाबा। मम्मी बचाओ, पप्पा बचाओ, मरी क्यों रे? मारे को धक्का क्यों दे रहे हो? देख उधर देख, जलपति राव को मरे हुए 75 साल हो चुके। कोई कुछ भी लिखेगा तो मार लोगे। थारा दोस्त था क्या वो? नदी पर साथ में कपड़े चुराते थे, खाता पीता से ऐठा, मारने 3 बार खुद अपनी आंखों से देखे है। बिना कारण संसार में कुछ नहीं होता काशमोरा, कारण की खोज करो। पानी अकेला ही पिएगा? प्यास बुझ गई तेरी? बुझ गई भाया। वैसे तुम कौन हो? तू जग का पूरा पानी पी गया? हाँ पी लिया भाया, क्यों? थारे को भी प्यास लगी थी क्या? ये वो जल है जिसे सालों पहले हमारे राजा ने पीकर छोड़ दिया था, आज तक हमने भी इसे पीने की हिम्मत नहीं की। अरे पानी भी कोई हजारों बरसों तक रखने की चीज है, फेंक देते इधर उधर पौधे उग जाते, पता नहीं है क्या ठहरे हुए पानी में डेंगू के मच्छर पड़ते। भूत राजा को बताना होगा, स्वच्छ भूत अभियान करो, जहाँ पर भूत वही भूतालय, भूतावास योजना।
विक्रांत का महान साम्राज्य इस वैभवशाली साम्राज्य के शासक हैं महाराज विजय नारायण मरुत्पति। इनकी विशाल सेना में 13 सेनापति हैं, जिनमें से एक सेनापति ऐसा भी है जो अकेले 12 प्रमुखों के बराबर है। युद्ध की हर नीति का ज्ञाता, शत्रुओं की हर चाल का तोड़ जानने वाला, जो अकेला ही उनका सर्वनाश करने में सक्षम है, वीरों का वीर सेनापति राज नायक। शाबाश राजनायक, शाबाश। तुम्हारी वीरता के समक्ष विरोधी एक क्षण भी खड़ा नहीं रह पाता। जहां तक दृष्टि जाती है वो हमारा राज्य है। कहो क्या चाहिए? राजनायक जो पाना चाहता है उसे उसने अभी तक देखा तक नहीं। के हाथ में तलवार,
आदमी में अगर ताकत होती है तो कमजोरियां भी होती हैं। राजनायक की कमजोरी थी औरत। सिर्फ उतना ही नहीं, यहां तक कि औरतों की भी कमजोरी है राजनायक। विजय प्राप्त करने के बाद भी राजनायक व्याकुल था। सेनापति जी की जय हो। हारे हुए राजा के पास 27 रानियां हैं और उसके अलावा 30 प्रेमिकाएं भी हैं। एक एक करके भेजता हूं हुजूर। सुनो हुजूर, आकाश में सभी नक्षत्र एक साथ टिमटिमाएं तो ही सुंदर लगते हैं। सबको एक साथ भेजो। जी हुजूर। रुको हुजूर। क्या तुमने इन कमसिनों को भी गिना? ये महल की दासियां हैं हुजूर। बाग में हर तरह के फूल खिलते हैं बेवकूफ। इन्हें भी मेरे शयन कक्ष में भेज देना। हुजूर, वो एक मूर्ति है। मूर्ति तो क्या हुआ, एक औरत की मूर्ति है। महाराज राजनायक की कमजोरी जानते हुए भी शांत रहे, क्योंकि बिना राजनायक के वो युद्ध नहीं जीत सकते थे। राजकुमारी का अपहरण हो गया। और राजनायक भी नगर में नहीं है। कहीं राजनायक नहीं तो यह अपहरण नहीं किया। राजकुमारी को वापस लाने वाले को उपहार में आधा राज्य दिया जाएगा और राजकुमारी का विवाह उससे किया जाएगा। हर जगह यह ऐलान कर दो। राजनायक होगा। Ha ha ha.
राजनायक। तो तुम मुझे जानते हो? युगों युगों में ऐसा शूरवीर पैदा होता है जो अकेले ही पूरी सेना को पराजित कर सकता है। आपके साम्राज्य के नागरिक आपकी प्रशंसा करते थकते नहीं है। आज उस पराक्रम को देख भी लिया। अपनी चाटुकारिता की नीति मुझ पर मत चलाओ। मेरे रहते इस राज्य से कोई राजकुमारी तो क्या एक चिड़िया के बच्चे को भी ले जाने का प्रयास करने वाला जीवित नहीं रहता। ये जानते हुए भी तुमने यह हरकत की अर्जुन। राजनायक सुनो। अब ये मत कहना कि तुम्हारा अपहरण हुआ है। यही कहने वाली थी ना तुम? अगर ऐसा होता तो ये तुम्हारे आगे बैठी होती और तुम इसे पकड़ती। पर ये कन्या तो बड़े आनंद के साथ तुमसे चिपक के बैठी है। तुमने इसका नहीं, इसने तुम्हारे दिल का अपहरण किया है। हम दोनों ने एक ही गुरु से तलवार चलाना सीखा है। शरीर की बजाय तुमने दिल पर घाव किया। ये हमारे शत्रु राज्य के राजकुमार हैं। तुम्हारे पिता से तुम्हारी बहस हुई और इस अपहरण की योजना ने जन्म ले लिया। राजनायक, ये मुझसे बहुत प्रेम करती है। इनके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। अच्छा, कृपया हमें जाने दें। अगर केवल राजा की पुत्री को बचाने की बात होती तो मैं तुम्हें जाने देता, किंतु मेरे आने का कारण अपनी पत्नी को बचाना है, मेरी प्रिया रत्तू। राजनायक। चलो ना, रासलीला करते हैं ना। राजनायक, इस पर मेरा हक है। राजनायक। नहीं है? ठीक है, हम लड़ेंगे। पहला वार तुम करोगे, मेरे मरने पर तुम इसे ले जाना। आ जाओ। नहीं अर्जुन। इसे रोक कर तुम एक तरीके से मेरी ही प्रशंसा कर रही हो। इतना प्रेम करती हो मुझसे। चलो, इसके लिए मैं तुम्हें थोड़ी उदारता दिखाता हूं। मैं बिना शस्त्र के लड़ूंगा। और बिना ढाल के। आजा, मुझे मारने के पश्चात रत्ना तेरी हो जाएगी। आजा। ऐसा सुनहरा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। मेरे धैर्य की सीमा बहुत अल्प है। अपनी पुत्री के लौटने के उल्लास से अधिक आपको मुझे अपने दामाद के रूप में स्वीकारने का खेद होता प्रतीत हो रहा है। राजनायक के समक्ष शस्त्र का प्रयोग और शब्दों का चयन ध्यान पूर्वक करना चाहिए। वचनानुसार राजकुमारी को बचाने के बदले आधा राज्य और बाकी आधा राज्य दहेज स्वरूप मुझे सौंपा जाना चाहिए। सेनापति, क्या है? वो नियम अनुसार राजकुमार ही राजा बन सकते हैं। राजकुमार अब नहीं है, अब क्या? खड़े क्यों हो? राज्याभिषेक और विवाह की तैयारियां प्रारंभ कर दी जाएं। और होने वाली नई वधु जाकर थोड़ा विश्राम कर सकती है।
वध करने वाले से विवाह करने का निर्णय मैंने ऐसे ही नहीं लिया। मैं घायल शेरनी हूं जो घात लगाए बैठी थी इसी अफसर के लिए। सही समय पर वार करना ही सटीक युद्ध नीति है। तुम्हारे समक्ष सुंदरता का जाल बिछाया ताकि तुम अपनी चेतना खो सको। मेरे सौंदर्य ने तुम्हारी कामुकता को जगा दिया। मैंने जीवन भर अपने केशों को केवल गुलाब के जल से धोया और सुगंधित किया, लेकिन आज मैंने विष से सुगंधित किया। कामुकता में अंधे होकर कुछ नहीं देख पाए। इस जन्म में नहीं, हर जन्म में तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं बनूंगी। भर एक क्रूर राक्षस बना रहा रत्न महादेवी के अभिशाप से वो दुनिया का सबसे भयानक हैवान बन चुका है। एक साम्राज्य खंडित होने लगा। रत्न महादेवी के महल में राजनायक और 12 जिंदा जला दिए गए सेनापतियों की आत्माओं ने बैठक लगाना शुरू कर दिया और लोगों ने वो राज्य छोड़ दिया। विश्वास पात्र राजभक्त महल में पुनः प्रवेश पाने के लिए पंडितों की मदद से पाठ पूजा करवाने लगे। राजनायक से हुआ पाप हजारों ब्राह्मणों की हत्या से भी बड़ा पाप है। जब तक उसे इस श्राप से मुक्ति नहीं मिलेगी, इस महल में परलौकिक गतिविधियां नहीं रोकी जा सकती। लेकिन ये आसान नहीं है। एक ऐसा परिवार जिसके सभी सदस्यों ने रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया हो, उनकी बलि चढ़ानी होगी। उसी स्थिति में राजनायक की आत्मा को इस श्राप से हमेशा के लिए मुक्ति मिल पाएगी। मेरी फैमिली के सभी सदस्यों का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है। ये रस्म अगर होगी तो कवारी कन्या द्वारा होगी, जो अपने वंश की अकेली कन्या हो। उसकी आत्मा तुम्हारे पास आई समझ में आता है, लेकिन मेरे घर पर क्यों आई?
यज्ञ पूर्ण हो जाने के बाद भी एक विचित्र समस्या है। राजनायक को श्राप से छुटकारा मिलेगा, किंतु परंतु उसकी आत्मा की दुष्ट प्रवृत्ति पर विश्वास नहीं किया जा सकता। कोई नहीं जानता कि वो अंत में क्या करेगा। उसका कोई उपाय? राजधानी कहीं और बसाओ, वहीं से शासन चलाओ। राजनायक और उसके 12 और सहयोगी नवकालिका पूर्णिमा की प्रतीक्षा करने लगे। जो करना है 3 दिनों के बाद आने वाली नवकाली पूर्णिमा की रात को इसी 4 दीवारी में रहकर करना होगा। ए, ये क्या है यामिनी? वो तुम्हारी कोई बड़ी बहन है क्या? मेरी बहन नहीं तो? बहन नहीं है, मेरा मतलब है सगी नहीं, दूर की कजन सिस्टर। एकाध तो होगी ना? नहीं, पूरे परिवार में मैं ही सिंगल पीस हूँ। क्यों? क्यों क्या, अपने इस वंश में मैं एक अकेली लड़की हूँ, हाँ? उसमें मेरी क्या गलती है? एक बहन नहीं मांग सकती थी? मुझे मारने के लिए पैदा हुई है किलर, पूरी फैमिली को बलि चढ़ाने वाली हो। लगता है अब इसी पर भूत सवार हो गया है। क्या बक रहा है? वो दुनिया का सबसे बड़ा विलन है, दूसरे लोक में जाने के लिए नहीं बुलाया, वो हमें यमलोक पहुंचाना चाहता है। अपने श्राप से मुक्ति पाने के लिए रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए परिवार के सभी लोगों की बलि चढ़ानी होगी। यामिनी खुद अपनी मर्जी से नहीं आई, उसे यहां लाया गया है, वही हमारी बलि लेने वाली है। कैसी बह की बातें कर रहा है, उस भूत ने हमसे झूठ बोला था। सच भी बोलता तो हम क्या बिगाड़ लेते उसका। अरे हार्ट पेशेंट से मजाक कर रहा है। मजाक नहीं पापा, वो हमें बचाने की कोशिश में लगा हुआ है, यानी उसे हम सब जिंदा चाहिए। ओ, उधर कोई साधारण आत्मा नहीं है, धड़ लेफ्ट में जाता है तो मुंडी राइट में जाती है, अंदर घुसने वाले की बहुत धुलाई करती है, लेकिन काशमोरा को एंट्री दे दिया। लफड़ा बहुत बड़ा होने वाला है। नवकालिका पूर्णिमा का स्वागत है। रत्न महादेवी, नवकालिका पूर्णिमा की रात हमारे लिए दिन का उजाला लेके आएगी, जब रोहिणी नक्षत्र में जन्मे परिवार की बलि चढ़ाई जाएगी, राजनायक फिर से जिंदा हो जाएगा। अरे कहाँ जा रहा है? सरकार आज उस भूत महल को बम से उड़ाने वाली है, गांव के लोग भूत देखने जा रहे हैं। रेडी, ये जो पीछे महल दिखाई दे रहा है ये 700 साल पुराना है, और यहाँ रहने वाले लोगों का मानना है कि इस महल के आसपास रात में आत्माएं भटकती हैं। आज इस महल को डायनामाइट से गिराया जा रहा है। उड़ाने से पहले एक बार फिर सोच लो, किसी तांत्रिक मंत्री को बुलाना नहीं, है तो... अब मैं नहीं रुकूंगा, दुनिया भर के पंडित, दुनिया भर के तांत्रिक, न जाने मैंने क्या क्या ट्राई किया है, वो भूत बन गए लेकिन ये भूत नहीं भागे। महल उड़ा के मैं जमीन बेच दूंगा। तेरा दिमाग सटक गया क्या? 500 करोड़ रुपए, पार्टी के सीक्रेट पेपर्स, ये सब कुछ उसकी फैमिली के पास है, अगर वो मर गया तो। साहिब, इतनी सारी पब्लिक है, प्रेस मीडिया भी मौजूद है, आपकी रेपुटेशन दांव पे लगी है, वो डायनामाइट से कम नहीं है, मेरे बात पे भरोसा करो साहिब, ये बम भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। सुबह सुबह ब्लास्ट शुरू होगा, जाके सपोर्ट चैनल्स में डायनामाइट और बढ़ा दो। ये फ्रंट पिलर्स वाली लाइन में चेक करो। ओम रीम श्रीम क्लीम मजा।
तुम्हें श्राप दिया था कि जब भी तुम इस दुनिया में जन्म लोगे तुम्हारा वध मैं ही करूंगी, याद है ना? अर्जुन को तुमने सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वो मुझसे सच्चा प्यार करता था। मेरे पिता इसलिए मरे कि उन्होंने तुम पर विश्वास किया। मेरा भाई कहीं राजा ना बन जाए इसलिए तुमने उसे भी मार दिया। लेकिन अब समय आ गया है तुझसे बदला लेने का। कोई भी मुझे इस यज्ञ को करने से नहीं रोक सकता, चाहे वो तुम हो या फिर भगवान। मैं रोकूंगा। अरे ये रामलीला का मैदान नहीं है। जाना से। जब तक मैं इसका नाश नहीं कर देती इस शरीर पर मेरा ही वश रहेगा। रत्ना अपना हर काम अपने बाएं हाथ से करती थी, लेकिन तुमने तो तलवार दाएं हाथ में उठा रखी है। इतनी सारी पब्लिक में रत्ना कोई लेफ्टी होना था? ये परफॉर्मेंस तो एकदम राइट थी, लेकिन हैंड का मामला थोड़ा रॉन्ग हो गया। प्रतीक्षा को एक नया अर्थ देते हैं। मम्मी पापा चलो 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 यहाँ से। इस तरफ भागो भागो जल्दी 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 पीछे 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 वही पूर्णिमा वही श्राप उतनी ही नफरत। तुम भी यहीं मैं भी यहीं। आओ मुझसे युद्ध कर।
पूर्णिमा के समाप्त होने से पहले ये तलवार तेरा वध कर देगी। के गुप्त कक्ष में राजनायक की अस्थियां छुपा के रखी हैं। उन्हें ढूंढने पर ही समस्या का हल मिलना संभव है। Yeah!
कोई डायनामाइट नहीं फोड़ेगा। पापा क्या हुआ? रत्ना महादेवी ने हम सबको राक्षस से बचा लिया। क्या कहा? अब हमने रत्ना महादेवी को राक्षस से बचा लिया। बेटा यामिनी, बेटा यामिनी उठो बेटा, आंखें खोलो, आज हमें काशमुरा भगवान ने बचा लिया। क्या हुआ था? काशमुरा महाराज ने अपना काम किया, सारी आत्माओं को परलोक पहुंचा दिया। सारी आत्माओं को? अरे मैंने कुछ नहीं रिकॉर्ड किया। उन्हें फिर से बुलाकर रिप्ले कर ले। वो ईश्वर के अवतार हैं। जय जयकार करो, जय काशमुराय नमः। ईश्वर के अवतार? हाँ बेटी, उन्होंने ब्रह्मांड की सारी दैविक सिद्धियाँ आसानी से प्राप्त कर ली। डायरेक्ट भगवान का स्टेटस मिल गया। श्री काशमुरा भगवान के दर्शन कर लो। एक सेकंड रुक जाइए, एक मिनट चुप हो जाइए, मैंने यहाँ कैमरा ऑन रखा था। जय काशमुरा, अभी सच का पता चलेगा। या कभी इलेक्शन लड़ना हो तो इसी पोज में पोस्टर छपवाएंगे। हो तुम्हें क्या लगता है बैग इसके पास होगा? होना हो जरूर, वो बैग्स इसने महल में कहीं छुपा रखे होंगे। अभी बैग छोड़ो ना सर, ये अभी तो हो सकता है आत्मा उन्हें अपने साथ लेकर उड़ गई हो, और अगर इनके पास है तो दक्षिणा समझ के भूल जाओ। जैसा सबने देखा किस तरह श्री काशमोरा महाराज ने अकेले ही महल को उन सभी आत्माओं से छुटकारा दिलवा दिया, और ये हमारा भाग्य है कि हमारी मदद करने के लिए काशमोरा जैसे संत मौजूद हैं। मेरा बैग, इसमें मोमाया थी वो हमने फेंक दी, और अंदर भगवान काशमोरा का फोटो रख दिया। और पैसे? अरे जब साक्षात भगवान मिल गए तो उन तुच्छ कागजों का क्या महत्व? बोलो महान काशमोरा भगवान की जय। डॉक्यूमेंट्स तो है ना इसमें? डॉक्यूमेंट्स? आत्माएं ले गई। क्या बोल रहे हो? काशमोरा भगवान की जय, काशमोरा भगवान की जय। मेरे पैसे, मेरे पैसे स्वामी।